So there's been a big update from the breaking that we had early this morning. At 9 a.m., there was a call received by the PCR of Delhi police, appeared to be from Swati Maliwal. There's been a big twist in this alleged assault case, and we may maintain alleged because there's been no official confirmation of a statement from Swati Maliwal. But now, I can bring to you an update that is coming from Delhi cops. Cops have revealed to India Today Swati Maliwal visited the Civil Lines police station. So she has come in person. She may not have spoken to the media yet, but cops have confirmed to India Today that Swati Maliwal, remember, who has led the Delhi Commission for Women earlier, who has been associated with the Aam Aadmi Party, who is now a Rajya Sabha MP, while has not given a written complaint, she did come to the Civil Lines police station in Delhi. We are told that according to the Delhi police, Maliwal has spoken of assault case investigation which is on this. Does this mean, and I want to bring in Arvind Oja, Anmol Bali on this. Arvind Oja tracking what the investigators are saying. Anmol Bali is tracking with the Aam Aadmi Party leaders and basically the political showdown on it. Arvind, सबसे पहले आपको लाती हूँ. सुबह जब आपसे बात हो रही थी, क्लैरिटी नहीं थी, यही वेट किया जा रहा था कि स्वाति मालीवाल कंफर्म या डिनाई करे. क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल इन पर्सन पुलिस स्टेशन आई है और उन्होंने कहा है कि मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है? जी बिल्कुल, जो स्वाति मालीवाल है वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंची थी. हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है. इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल दोबारा भी यहाँ आ सकती हैं अगर एक बार पहले आई. लेकिन दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने हमें कंफर्म किया है कि पहले सीएम आवास से स्वाति मालीवाल ने कॉल किया, अपने नंबर से कॉल किया था. पहला कॉल हुआ, उसके बाद दूसरा जो कॉल है उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि उनके साथ मारपीट की है. और जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके पीएस विभव है, उन्होंने मारपीट करवाई है. उसके बाद वो वहां अपनी गाड़ी छोड़ करके इस सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पर वो आती है और उसके बाद अचानक उनको कोई कॉल आ जाता है. उसके बाद वो यहां पर कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं देती है और वापस चली जाती है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो कॉल है, जो भी दिल्ली पुलिस के पास पीसीआर कॉल होती है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है. एक नहीं बल्कि दो कॉल आई थी और जो नंबर था वो स्वाति मालीवाल का ही था. स्वाति मालीवाल उसके बाद यहाँ तक आती है सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पे, उसके बाद यहाँ बिना कोई रिटर्न कंप्लेंट दिए चली जाती है. पुलिस का कहना है कि जब रिटर्न कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को मिलेगी तभी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होगा. क्योंकि आपको बताऊं पूजा, दिल्ली पुलिस के पास हजारों की संख्या में डेली पीसीआर कॉल आती है और उस पीसीआर कॉल पर दिल्ली पुलिस को रिस्पॉन्ड करना होता है. एक पुलिस की टीम होती है पीसीआर वैन के साथ, वो स्पॉट पर जाती है. यहाँ पर स्वाति मालीवाल तो स्पॉट पर नहीं मिली थी, बाद में जानकारी मिली कि वो पुलिस स्टेशन आई है लेकिन उन्होंने कोई रिटर्न कंप्लेन फाइल नहीं की है. अब जब पीसीआर कॉल चलती है, इसके बाद जब तक कोई भी कॉलर रिटर्न कंप्लेंट नहीं देता है तब तक इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाती है. लेकिन इंडिया टुडे के पास वो डीडी एंट्री भी है, क्योंकि जब पीसीआर कॉल चलती है तो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है वहां पर एक एंट्री होती है उस कॉल की. वो डीडी एंट्री की कॉपी भी इंडिया टुडे के पास मौजूद है. स्वाति मालीवाल ने अभी तक ये जो पूरा न्यूज है इसको लेकर कोई भी अभी तक अपना कमेंट या अपना रिएक्शन सामने नहीं दिया है. लेकिन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जो विभव है वो उस घर पर मौजूद नहीं थे. हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन में साफ हो पाएगा कि विभव वहां पर थे या नहीं थे, लेकिन सीधा सीधा जो एलिगेशन है वो विभव पर ही लगाया, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद क्लोज हैं और अरविंद केजरीवाल के पीएस बताए जाते हैं. पूजा बने रहिए हमारे साथ. अरविंद ओझा गेटिंग अस ऑल ऑफ दोज डिटेल्स एज फार एज दिस बिग एलिगेशन इज कंसर्न. अनमोल बाली ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी विद अस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स हाउस in Delhi. And most several questions are in fact unanswered as far as this drama really playing out in Delhi is concerned. First of all, why a no written complaint? In fact, yes, we'll come back to you in a moment from now. Anmol, we have more news coming in. India Today has accessed the Swati Maliwal PCR call entry. Police entry shows Maliwal called twice. Arvind Kejriwal got his PA to thrash me. Maliwal says PA Vibhav hit me at Arvind Kejriwal's behest. Explosive Maliwal account to cops have been accessed by India Today, where it
list out details as to how the behest of Arvind Kejriwal, she was abused physically by the personal assistant of the Delhi Chief Minister. This is Swati Maliwal getting in details of what she in fact had to go through, what she had to deal with. Arvind has got more details. Arvind, the chaukani wali khabar ye hai ki Delhi Chief Minister aur Swati Maliwal jo ki khaas rahenge mukhyamantri ki, unka ye kehna hai ki unhone ye karwaya, mukhyamantri Arvind Kejriwal ne ye kaam karwaya. देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं. इंडिया टुडे पर फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है दिल्ली पुलिस की तरफ से. जो नॉर्थ के डीसीपी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल 9:34 AM पे मिली थी, जिसमें ये बताया गया था पुलिस स्टेशन सिविल लाइन को कि लेडी है. उन्होंने बताया कि सीएम आवास के अंदर उनको असॉल्ट किया गया है. उसके बाद जो एमपी मैडम है, हालांकि नाम नहीं लिखा है ऑफिशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जो एमपी मैडम है वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन जाए. इस वक्त हम मौजूद है, इंडिया टुडे की टीम मौजूद है यहाँ पर. जो एमपी मैडम है वो यहाँ पर आती है. हालांकि उन्होंने कोई भी रिटर्न कंप्लेंट नहीं दिया. तो ये फर्स्ट जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि 9:34 AM पर एक कॉल दिल्ली पुलिस को मिली थी, जिसमें सीएम आवास पे, जो सीएम हाउस है वहां पर असॉल्ट की खबर मिली थी. और उसके बाद जो एमपी मैडम है वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंची थी, लेकिन उन्होंने कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं फाइल किया. अब जब तक रिटर्न कंप्लेन इस पूरे मामले पर फाइल नहीं होता है, तब तक इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाती है. क्योंकि मैं आपको जो एक नियम है वो बता देता हूँ कि जब कोई पीसीआर कॉल होती है, उस पीसीआर कॉल पर दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्ड करती है. अगर कोई कॉलर वो स्पॉट बताता है, उस स्पॉट पर जाती है. अब चूंकि सीएम आवास के अंदर से कॉल हुई थी, तो दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर एंट्री नहीं कर पाई, बाहर ही थी. वहां पर स्वाति मालीवाल उनको दिल्ली पुलिस को नहीं मिली थी, उसके बाद यहां पर आती है. अब कोई को पीसीआर कॉल चलती है तो पहले दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, कॉलर से कॉन्टेक्ट करती है, स्पॉट पर जाती है. उसके बाद उस कॉलर से कहा जाता है कि जो आपने पीसीआर कॉल में कंप्लेन दी है वो आप रिटर्न में कंप्लेन दें. कई बार ऐसा होता है कि पीसीआर कॉल जो की जाती है वो कॉलर बाद में वो कंप्लेन जो कॉल पे होती है वो वापस भी ले लेता है. तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस चाहती है कि रिटर्न कंप्लेन दे. इस वजह से स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची थी. पुलिस ऑफिसर ने बोला भी कि रिटर्न कंप्लेन देने के लिए, लेकिन उन्होंने रिटर्न कंप्लेन नहीं दी और यहाँ से वो वापस चली आई. तो सुबह से जो इंडिया टुडे सोर्सेस से जानकारी दे रहा था, अब उस पर जो डीसीपी नॉर्थ है उन्होंने ऑफिशियल एक कंफर्मेशन दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 9:34 AM पर उनको पीसीआर कॉल मिली थी. उसमें सीएम हाउस के अंदर असॉल्ट करने की जानकारी दी गई थी, कंप्लेन दी गई थी. उसके बाद जो एमपी मैडम है वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पे पहुंचती है, लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेन फाइल नहीं की है. तो अब दिल्ली पुलिस तभी एक्शन इस पूरे मामले पर ले सकती है जबकि कोई रिटर्न कंप्लेंट आता है. हालांकि स्वाति मालीवाल की बात करें तो उन्होंने अभी तक इस पूरे न्यूज पर कोई रिएक्शन नहीं किया है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट पर पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई है. बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू गो बैक टू अनमोल आल्सो, हु कंटिन्यूज टू बी विद अस. अनमोल, अगर मुख्यमंत्री के ऑफिस से या कोई सोर्सेस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, एनीथिंग दैट यू कैन शेयर विद अस एज फार एज दिस ह्यूज एलिगेशन इज कंसर्न्ड, दैट एट द बिहेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल मालीवाल वाज थ्रैश्ड बाय हिज पीए. Sneha, CM office as well as Aam Aadmi Party hasn't uttered a single word on this matter. Today in the morning it was seen that around 9:40 and around 9:54 two calls, PCR calls were received by the Delhi police, and after that it was seen that this matter snowballed into a major sensational controversy where now politics has started escalating on this issue, and Bharatiya Janata Party has started targeting the Aam Aadmi Party as well as CM Arvind Kejriwal. First it was Amit Malviya, the IT chief of the Saffron Party, who raised various questions on this issue. And
has also tweeted on this issue and said that Swati Maliwal was not in India while CM Arvind Kejriwal is in jail due to the alleged liquor policy scam. And the second tweet was made by Kapil Mishra, the Bharatiya Janata Party, who questioned the Aam Aadmi Party on this issue. And then the Delhi BJP also questioned the Aam Aadmi Party on this issue. And soon, Bansuri Swaraj and Kamalji Shehrawat, two women Lok Sabha candidates from the Bharatiya Janata Party, will speak on this matter and will target the Aam Aadmi Party. But still, the AAP as well as CM House hasn't uttered any word on this controversy. There now, police is saying that when they received the caller, who was a woman, was saying that I'm being assaulted by Bibhav Kumar, close aide of CM Arvind Kejriwal, on the behest of CM. And now soon we will see, will Swati Maliwal will speak on this issue or not. All right, be with us and more coming back to you. And Arvind Oja getting us all of those details as far as that big development here is concerned. A very close aide of the Delhi Chief Minister Swati Maliwal, remember, has made some serious charges against the Delhi CM, saying that she was abused and thrashed at his behest by his PA. High drama at the Chief Minister's residence, where sources have said that Delhi police received a call from the CM residence identifying herself as AAP MP Swati Maliwal. Sources say that Maliwal claimed assault by Arvind Kejriwal's PA Bibhav. Now, as AAP remains tight-lipped in this entire matter, the BJP has claimed CM's involvement. The BJP has called it rerun of the 2018 assault case of Chief Secretary Anshu Prakash. उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो अब महिलाओं को पिटवा रहा हो. कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे. लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं. बहुत ही गंभीर बात है. राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे. 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई. अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है. अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं. जहां तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे. मैं जानती हूं कि मैं खुद भुगती हूं. निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में. ये मारपिटाई क्यों स्वाति मालीवाल जी के साथ करवाई गई? एक औरत के साथ इस तरह का क्यों दुर्व्यवहार किया गया? और औरतों के साथ वहां पर क्या क्या मुख्यमंत्री के निवास में किया जाता है? ये बहुत जल्दी सामने आएंगी बातें जब स्वाति मालीवाल अपनी लिखित में कंप्लेंट देंगी. पर एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट भी हैं और औरतों को पिटवाते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी को घर बुलवा के पिटवाया था, जैसे अपने एमएलए को पिटवाया था. अब स्वाति मालीवाल एक औरत को, जो विमेन कमीशन की चेयरमैन रही हों और औरतों की वकालत करती हों, आज वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को फोन कर रही हैं. आज ये हालात बन गया, अरविंद केजरीवाल जी औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं. न्यूज कमिंग इन, दिल्ली पुलिस इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट स्वाति मालीवाल, बट द पुलिस इज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हर, इज व्हाट वी आर हियरिंग. द एसएचओ ऑफ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन हिमसेल्फ हैज आल्सो मेड सम कॉल्स. Swati Maliwal's mobile is what we're hearing, so she's gone completely incommunicado. Arvind Oja continues to be with us. Arvind, aur kya information share kar sakte hai is point of time mein, kyunki ye bade mysterious tarike se ye allegation aaya aur abhi Swati Maliwal abhi bilkul bhi contact nahi ho pa rahi hain. SHO khud ne unhe dial kiya hai. जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब ये न्यूज हमें मिली तो इंडिया टुडे ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की. जो स्वाति मालीवाल है उनका जो पक्ष है वो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वो हमने भी जानने की कोशिश की, हालांकि कांटेक्ट नहीं हो पाया. चूंकि अब फर्स्ट ऑफिशियल रिएक्शन जो डीसीपी नॉर्थ है मनोज मीना,
उन्होंने रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया कि 9:34 AM पर दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली थी। सीएम जो कॉलर है वो बोल रहा है कि सीएम जो हाउस है उसके अंदर उनको असॉल्ट किया गया है, और साथ ही ये लिखा गया है कि एमपी मैडम वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन आई थी, उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो दोबारा आएंगी और रिटर्न कंप्लेंट देंगी। इसी वजह से जो एसएचओ सिविल लाइन है उन्होंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की स्वाति मालीवाल को, लेकिन अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अगर स्वाति मालीवाल ने कहा है दिल्ली पुलिस को कि वो दोबारा आएंगी और रिटर्न कंप्लेंट देंगी, तो अब इंतजार करना होगा कि क्या स्वाति मालीवाल दोबारा सिविल लाइन आती है, क्या कोई रिटर्न कंप्लेंट देती है, या फिर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल रिएक्शन इस पूरे मामले पर दे दिया है कि ऐसा कॉल मिला था उनको, और उसके बाद खुद स्वाति मालीवाल सिविल लाइन पुलिस स्टेशन आई थी और उन्होंने कहा था कि वो रिटर्न कंप्लेंट भी देंगी। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अरविंद ओझा, गेटिंग अस दोस डिटेल्स ऑफ दैट बिग स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग। इट्स अ सरप्राइजिंग एंड अ शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स वी आर रिपोर्टिंग ऑन विद दीज एलिगेशंस बीइंग मेड बाय स्वाति मालीवाल ऑफ द आम आदमी पार्टी दैट शी इज बीइंग थ्रैश्ड फिजिकली असॉल्टेड बाय द पीए of the Delhi Chief Minister at the Delhi Chief Minister's behest.